एक तस्वीर जिसमें पहलवान विनेश फोगाट और संगीता फोगाट नजर आ रही हैं, दोनों के चेहरे पर मुस्कान है, पीछे तीन पुलिसकर्मी भी दिख रहे हैं, दो महिला पुलिसकर्मी और एक पुरुष पुलिसकर्मी। इनके अलावा बस में कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनके चेहरे पर भी मुस्कान नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। अब जरा इस तस्वीर का कॉन्टेक्स्ट भी समझ लीजिए। रविवार को जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, तब वहाँ से महज 2 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर बवाल मचा हुआ था। पहलवानों ने संसद भवन के बाहर महिला सम्मान पंचायत के लिए कूच किया तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया। फिर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को हिरासत में भी ले लिया। इसके बाद से ये तस्वीर वायरल हो रही है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या सच में हिरासत में लिए जाने के बाद पहलवान पुलिस लाइन में मुस्कुरा रहे थे, या फिर इस तस्वीर के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई थी? ट्विटर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी लिखते हैं, आईटी सेल ट्रोल्स अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने लगे हैं, ओलंपिक विजेताओं को बदनाम करने की साजिश की गई है। ध्रुव राठी ने ट्विटर पर असली तस्वीर बताते हुए एक फोटो भी साझा की है जिसमें वही पहलवान पुलिस वैन के अंदर दिख रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है। बजरंग पूनिया ने भी इस तस्वीर को फर्जी बताया है और ट्वीट कर लिखा, आईटी सेल वाले झूठी तस्वीर फैला रहे हैं, हम साफ कर देते हैं कि जो भी ये फर्जी तस्वीर पोस्ट करेगा उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी। पहलवान साक्षी मलिक ने भी फर्जी तस्वीर साझा करने वालों को आड़े हाथों लिया। वो तो सोशल मीडिया पे आपने देख ही लिया होगा कितने बुरे तरीके से एडिटिंग कर रखी है, जो ये काम कर रहे हैं उनको शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मुझे नहीं लगता कि भगवान ऐसे आदमी बना कैसे देता है कि हमें इस चीज को ऐसे चेंज करना है, या जो लड़कियां परेशान है उसके मुंह पे स्माइल दिखानी है। मुझे नहीं लगता उनके अंदर दिल भी होगा या उनके अंदर थोड़ा बहुत भी ये होता है ना, थोड़ा बहुत भी मतलब है ही नहीं, दिल ही नहीं होगा आई थिंक कि उनके अंदर कुछ भी। तो बस बड़ा अजीब लगता है ये चीज है कि कैसे बुरी तरीके से आईटी सेल बदनाम करने की कोशिश कर। इस खबर को लेकर जो भी अपडेट होंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी भानु कुमार झा। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है कॉमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताएं। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। लल्लन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा, फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा लल्लन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।